जय हिंद मेरे प्यारे सभी बच्चों को। देखिए आज मैं आपको दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें बताने आया हूं, जो आपको फॉर्म भरने से पहले ये सारे डॉक्यूमेंट आपको कंप्लीट करा लेना चाहिए, नहीं तो फिर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। और ये डॉक्यूमेंट देखिए तुरंत नहीं बनते हैं, इनमें थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए आपको ये डॉक्यूमेंट सबसे पहले बनवा के रख लेना चाहिए। तो हम लोग आज बात करेंगे आवेदन के लिए कौन कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट हैं और डॉक्यूमेंट कब तक के बने होना चाहिए, यानी कि डॉक्यूमेंट में इस बार यूपी पुलिस ने डेट भी मांगा है कि आपको कब से कब तक के डॉक्यूमेंट लगाना है, ये नहीं कि आप कभी कभी लगा दें। जैसे आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो कितने दिन पहले का बना होना चाहिए, जो आपका ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र है वो कब का बना होना चाहिए, इसी प्रकार से मैं सारे डॉक्यूमेंट आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। दूसरे राज्य वालों के लिए क्या व्यवस्था है, इनके बिना आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे, सारी चीजें मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखिए आपको सबसे पहले यदि मैं बात करूं तो आपके जो भी डॉक्यूमेंट है मेरे भाई, आपके जो भी डॉक्यूमेंट हैं वो 2023 के बने होना चाहिए। कौन से के बने होना चाहिए मेरे भाई? 2023 के बने होना चाहिए, ये बात आप सभी को याद रखना है। चाहे आपका मतलब आपका जाति प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट और आपका निवास तो आपका पहले का भी होगा तो चल जाएगा, लेकिन ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, आपका जाति प्रमाण पत्र, ये दोनों 2023 के बने होना चाहिए, ठीक है मेरे भाई। एक ईडब्ल्यूएस और आपका जाति प्रमाण पत्र, ये दोनों आपके 2023 के बने होना चाहिए, ठीक है। चलो अब इसके बाद मेरे भाई दूसरी बात आती है कि जो आप फॉर्म में फोटो लगाएंगे ना, उस बात को सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, जो आपकी फॉर्म में फोटो लगाएंगे उसकी सेम फोटो, उसकी सेम फोटो आपके पास कम से कम 8 फोटो होना चाहिए, 8 फोटो आपके पास होना चाहिए। इस बार यूपी पुलिस ने अपने साफ साफ नोटिफिकेशन बताया है कि जब भी आपका जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो आप जो भरते टाइम फॉर्म में फोटो लगाएंगे वही आपको सेम 6 फोटो देना होगा। तो उन्होंने 6 बोला है, आप 2-3 एक्स्ट्रा रख करके चलिएगा, पता नहीं शायद बाद में आपके 1-2 एक्स्ट्रा फोटो ना मांग ले, ठीक है। तो मिनिमम तो आपको 8 रखना है, ठीक है। तो जो भी फॉर्म में लगाइएगा फोटो तो कम से कम 8 फोटो आप इनको लगाइएगा, ठीक। इसके बाद दूसरी बात, जो महिला कैंडिडेट हैं उनके लिए जो जाति प्रमाण पत्र होगा, वो यहां का नहीं बनेगा, वो जाति प्रमाण पत्र उनका अपने पिताजी के नाम बनेगा, पिताजी के नाम। अगर मान लीजिए कोई ऐसी महिलाएं जिनकी शादी हो गई है तो फिर उनका जो जाति प्रमाण पत्र बनेगा वो पिताजी वाला बनेगा, यहाँ वाला इनका जाति प्रमाण पत्र नहीं बनेगा, ठीक है मेरे भाई। तो ये महिलाओं के लिए था। इसके बाद महिलाओं के लिए खास बात यह है कि महिलाएं 25 वर्ष तक फॉर्म भर सकती हैं, बाकी जो जर्नल वाले हैं उनकी सिर्फ एज आपकी 22 साल ही दी गई है, ठीक। और दूसरी बात यहाँ पर जो सबसे जरूरी बात है मेरे भाई, तो आपको जिस बार डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं या जो सबमिट करने हैं, उन डॉक्यूमेंटों को आपको सिर्फ और सिर्फ डिजी लॉकर में अपलोड करके रखना है। किसमें मेरे भाई? डिजी लॉकर में पहले से अपलोड कर लीजिएगा। अगर आपके जो डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर में ना अपलोड हो, उनको डिजी लॉकर में अगर आप डॉक्यूमेंट पहले से अपलोड करेंगे तो आपको फॉर्म भरते टाइम कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि यूपी पुलिस वाले इस बार सीधा सीधा, अगर आपने एंड्रॉयड मोबाइल यूजर होंगे तो प्ले स्टोर में जाइएगा, वहां से सर्च करिएगा डिजी लॉकर। अगर आपको फिर भी ना कुछ पता चले तो आप यूट्यूब में वीडियो देख लीजिएगा कि डिजी लॉकर क्या होता है, ठीक है। डिजी लॉकर में डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करें, यहां पर सर्च करिएगा हाउ टू अपलोड डॉक्यूमेंट इन डिजी लॉकर, ये आप सर्च कर लीजिएगा तो वहां से आपको कई सारे वीडियो आ जाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा डिजी लॉकर होता क्या है, डिजी लॉकर हमारे लिए किस यूज में आता है। तो भाई जो यूपी पुलिस की जो नोटिफिकेशन आया है उसमें इन्होंने साफ साफ बताया है
कि आपको जो डॉक्यूमेंट डिजी लॉकर में अपलोड हो तो उनको आप सीधा सीधा डिजी लॉकर से ही अपलोड कर देंगे, यानी कि आपको फिर स्कैन करा करके अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन मान लो इन्होंने दूसरी सुविधा ये भी दी है कि अगर मान लो कोई डॉक्यूमेंट आपका डिजी लॉकर में अपलोड नहीं है तो फिर आप उसको स्कैन करा के लगा सकते हैं। लेकिन अगर कोई डॉक्यूमेंट आपका डिजी लॉकर में है तो पहले आप उसको डिजी लॉकर से ही मतलब फॉर्म में सबमिट करेंगे, ठीक है। इससे आपका क्या होगा, फॉर्म के रिजेक्शन के चांस बहुत कम होते हैं, क्योंकि डिजी लॉकर पर ऑलरेडी पहले से डॉक्यूमेंट को वेरीफाइड कर लेता है और वहीं से आपके सारे डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाते हैं। ये डिजी लॉकर एक गवर्नमेंट का एप्लीकेशन है, इसलिए सिक्योर भी है और बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, जबरदस्त है। तो आगे चल के मेरे हिसाब से जितने भी आपके फॉर्म भरे जाएंगे तो आप सारे जो डॉक्यूमेंट अपलोड वाला सिस्टम होगा वो सारा डिजी लॉकर के माध्यम से होने वाला है। तो आपको ये डिजी लॉकर में सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करा लेने चाहिए। और मेरे भाई एक बात सभी लोग ध्यान रखिएगा, जो आपका जाति प्रमाण पत्र लगना है ना, यानी कि जो आपका जाति कास्ट सर्टिफिकेट लगना है वो मेरे भाई 2023 का ही बना होना चाहिए। 2023 की अगर पहले का बना होगा तो फिर वो मान्य नहीं होगा। EWS का प्रमाण पत्र भी आपका 2023 के बना होना चाहिए, इसके पहले का आपका मान्य नहीं होगा, ठीक है। तो आप इतनी ये दो बातों का ध्यान रखिएगा। और मेरे भाई जो बच्चे बहुत बेहतरीन शानदार जबरदस्त तरीके से SSC वो यूपी पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं, और अगर आप बिल्कुल अभी से शुरुआत करना चाहते हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल शुरुआत करना चाहते हैं, तब भी आपको इतना जबरदस्त तरीके सिखा दिया जाएगा कि आपको मजा आ जाएगी। तो आप सभी लोग तैयारी प्लस का एप्लीकेशन डाउनलोड करिएगा प्ले स्टोर से, और तैयारी प्लस का एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको ये मिलेगा हनुमान बैच, और इस हनुमान बैच पर आप इस हनुमान बैच को ज्वाइन करिएगा, जिसकी फीस सिर्फ और सिर्फ मात्र 499 है। कितनी है मेरे भाई, 499 है इस बैच की फीस। और इस बैच में आपकी जितनी भी बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक सब कुछ कराया जाएगा। और इस बैच की सबसे खास बात यह है कि आप भाई इसी बैच से आपका SSC GD भी कवर हो जाएगा और साथ ही साथ यूपी पुलिस कवर हो जाएगा। मैं आपके लिए कल आज दोपहर तक या शाम तक एक वीडियो लेकर के आऊंगा जिससे आपको मैं ये बता दूंगा कि आप SSC GD और यूपी पुलिस की दोनों की तैयारी एक साथ कैसे कर सकते हैं। भाई दोनों की तैयारी एक साथ कर सकते हैं क्योंकि दोनों के सिलेबस में कोई ज्यादा खास डिफरेंस नहीं है। तो मैं आपको इसके बारे में प्लान बता दूंगा कि आप दोनों एग्जाम की तैयारी एक साथ कैसे कर सकते हैं, ठीक है मेरे भाई। चलो तो भाई ये आप 4999 का बैच 1 जनवरी से पहले आप इस बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा मेरे भाई, इसके बाद फिर आपकी इसकी फीस बढ़ जाएगी, ठीक है। और इसके बाद अगर आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा या डायरेक्ट आप व्हाट्सअप कर लीजिएगा, ठीक है। तो 8299452929 ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इसमें आप SMS कर दीजिएगा। अगर आपको फिर भी आपको लगे कि SMS से काम नहीं हो पाएगा तो फिर आप कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी हम लोग शाम से आपके प्रैक्टिस से स्टार्ट हो जाएंगे, यूपी पुलिस के SSC GD के प्रैक्टिस सेट अभी तक चल ही रहे थे, तो अभी मतलब एक दिन अब आपका यूपी पुलिस का प्रैक्टिस सेट चलेगा और एक दिन आपका SSC GD चलेगा, क्योंकि हम लोगों को दोनों एक साथ में तैयारी करना है। SSC GD भी कवर करना है और साथ साथ में आपको यूपी पुलिस भी कवर करना है। दोनों एग्जाम की एक साथ तैयारी कैसे बेस्ट तरीके से कर सकते हैं उसकी मैं प्लानिंग आज आपको मैं दोपहर तक में बता दूंगा, ठीक है। तो बस अभी के लिए बस इतना ही, आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिएगा, अपने यार दोस्त और चाहने वालों के साथ शेयर करिएगा। बाकी हम लोग मिलते हैं दोपहर में, ठीक है। तो थैंक यू सो मच इस क्लास में आने के लिए और वीडियो देखने के लिए। बंद कर दिया।